एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ दिखाएंगे स्पेशल। मैं हूँ अभी देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में और हम जा रहे हैं आज मसूरी। आपको पता है मसूरी पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। माफ़ करना थोड़ा सा ट्रक यहाँ पे ज़्यादा चल रहे हैं। एनीवे आज हम जा रहे हैं मसूरी में। सो प्लीज़ आप वीडियो पे बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। हम पहुंच गए अभी शिव मंदिर में जो कि मसूरी देहरादून रोड में है, तो चलो पहले दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, हमारे दो और फ्रेंड आने वाले हैं जो कि हमारे साथ में मसूरी जा रहे हैं और ये यहाँ पे आ गए हैं। सो गाइस हम पहुंच गए अभी आधे रास्ते में, काफी दूर है मसूरी देहरादून से, अराउंड 35-40 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ठंड काफ़ी बढ़ रही है यहाँ पे, तो चलते हैं ऊपर की साइड में और देखते हैं क्या क्या होता है वहाँ पे। कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? बस सर एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ मसूरी का अभी देखना चाहते हैं? हाँ, और उसके लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। अभी तो आधे रास्ते में, देखते हैं कब तक पहुँच। यहाँ से अभी कितना किलोमीटर होगा मसूरी? 40-50 किलोमीटर। नहीं नहीं, यहाँ से देहरादून से 35-40 किलोमीटर है अभी। यहाँ से 25 किलोमीटर करीब है। एनीवे गाइस तो चलते हैं ऊपर की साइड में पहाड़ों में और जैसे ही वहाँ पे पहुँचेंगे आपको दिखाएंगे हम नज़ारा मसूरी का। बने रहिए आप वीडियो पे। तो यहाँ से दो रास्ते हैं मसूरी के लिए, आप देख सकते हैं। एक काफ़ी शॉर्टकट है यहाँ से और सामने यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। और ये है वो रास्ता जो हमने चूज़ किया है। अभी काफ़ी चढ़ाई है यहाँ से। और हम पहुंच गए मसूरी के काफ़ी नज़दीक, आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा यहां से। और अब चलते हैं यहां से, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हम मसूरी के। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मसूरी में। मैं हूँ अभी पिक्चर पैलेस में और अब चलते हैं माल रोड की तरफ, देखते हैं क्या है वहाँ पे। मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड भी है जो देहरादून से आए हैं। हेलो, हाउ आर यू? और पीछे ये है मेरे भाई। हाय, कुछ बोलना चाहेंगे सर मसूरी के बारे में? मसूरी में बहुत खूबसूरत जगह है मसूरी।
एक्चुअली हमने मिस कर दिया, दो दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, उस टाइम बातें तो ज़्यादा बेटर रहता, बट हम मिस कर गए। डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ यहाँ पे होंगे। ओके सो गाइस, अभी हम चलते हैं माल रोड की तरफ, देखते हैं वहाँ पे कितना क्राउड है। आप प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। और हम हैं अभी माल रोड पे, आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का। काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी टाइम लगा हमको रास्ते में, और जस्ट हम एंटर हुए हैं माल रोड के अंदर। देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे। काफ़ी ठंडा हो रहा है मौसम। जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी ठंडा है मौसम आज, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो माल का आनंद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने। ठंडी जरूर लगने वाली है, ठंडी बहुत है, अब तक नहीं थी लेकिन आज के बाद लगेगी जरूर। मसूरी में कॉर्न काफ़ी फेमस है, आप देख सकते हैं एक बॉइल, और इनके पास रोस्टेड भी है और ये फ्रेश। अब चलते हैं आगे की साइड में, देखते हैं क्या क्या हो रहा है आगे। कोई खास भीड़ नहीं है आज। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई पे है ये जगह, आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो फोटो खींच रहे हैं। काफ़ी सुंदर व्यू है, अगर आप नीचे को देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम पहुंच गए अभी झूलाघर की साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी छोटी शॉप है, और ज़्यादातर शॉप यहाँ पे कपड़ों की है। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और यहाँ पे है मिल्क की शॉप, गरम गरम मिल्क, काफ़ी ड्राई फ्रूट डाले इन्होंने मिल्क के साथ में, और जो इनका सर्व करने का स्टाइल है मेरे को बड़ा पसंद आया। ये मिट्टी के बर्तन में मिल्क को सर्व करते हैं, और साथ साथ में इनके पास यहाँ पे आलू की टिक्की है जो कि काफ़ी फ्रेश लग रही है, और साइड में इन्होंने फ्राई करके रखे हैं पोटैटोज, और काफ़ी साफ सुथरा सेटअप है इनका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी शॉप है कपड़ों की, सारे कपड़े लगे हैं और काफ़ी सस्ते दाम में यहाँ पे कपड़े हैं। और ये शॉप है लकड़ी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइप्स की लकड़ियाँ हैं, जो कि क्या क्या है यहाँ पे, स्पैचुला है यहाँ पे, और बेलन है, और लकड़ी के बाउल बना रखे इन्होंने बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे। और हम पहुँच गए अभी स्वीट शॉप में, जो कि झूलाघर में काफ़ी फेमस स्वीट शॉप है, और यहाँ पे इनके पास है जलेबी, गरम गरम जलेबी है, और साथ में इन्होंने यहाँ पे रखे हैं पकोड़े, काफ़ी टाइप के पकोड़े हैं इनके पास, और गरम गरम समोसे, साइड में ब्रेड पकोड़ा, यहाँ पे आप मोमोज भी खा सकते हैं। और ये सामने गाइस आप देख सकते हैं ये ट्रॉली आ रही है झूलाघर से। झूलाघर में चाट काफ़ी फेमस है, आप जब कभी भी मसूरी आए चाट का आनंद जरूर लीजिए।
और गाइस अब चलते हैं घर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।